बाबूजी भाई साहब आप हम नहीं इस पर पिएंगे। फट से उठाया तुमने गिलास पी लिया। ये तो पहली बार हमारे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है। अच्छा जा, जाओ हट जाओ अपना परिवार पढ़ो हटो यहाँ से हटो। बहुत खराब है तुम्हारा, पढ़े लिखे आदमी मूर्ख इस तरह घूमते हैं। क्या मूर्ख है हम? तुम गिलास में कैसे पानी पी लिया हमारे? अरे आपने सब किया, हमने पिया। क्यों पी लिया? क्यों पी लिया? आप पूछ के दिए होते हम नहीं पिए थे। जाओ चाहे जाओ यहाँ जाओ जाओ हटो यहाँ जाओ जाओ हटो जाओ और घर देखो जाओ घर देखो जाओ हमारा छोड़ दो यहाँ परिवार पुत्रों रिश्ता बात क्या की मिल लेना क्या बात खराब है इनका मास्टर हो गया इनका और जाओ जाओ हो गया होश में रहते अभी नहीं क्या है बेवकूफ जाओ मतलब पढ़े लिखे आदमी है इसमें कहने में क्या है इसमें कुछ कहने में बुराई है नहीं पड़ोसी है पड़ोसी हो पड़ोसी बताने चाहिए भैया हमारे ही घर हो हम फलाने घर का ही ना यही मास्टर है क्या तो तू अंग्रेजी प्रधानाध्यापक हो गए ना कलेक्टर हो गए ना हम तो ये नहीं कह रहे हम कलेक्टर हो गए नहीं तो जाओ हटो यहाँ से हट जाओ आप हमारी आँख के सामने से हटो ना जाओ यहाँ से ठीक है जा रहे हैं जाओ हटो यहाँ से ठीक धन्यवाद पानी नहीं पियेंगे हम जाओ आपने सर्व किया हम कहें नहीं पिए आपको सब पूछना चाहिए ना कुछ बिरादरी को सर्व करने से पहले पूछ लेना चाहिए किस बिरादरी को हो आपने पूछा हम तो कहीं यहाँ पे गए ना बहुत बड़े लोगों के यहाँ भी जाते हैं कोई हमसे इस तरह नहीं बात करता नहीं पूछता कोई है बड़े लोगों के जाओ यहाँ छोटे लोगों के यहाँ आने की जरूरत नहीं है नहीं ये तो हमारे जीवन में पहली बार हुआ आप सर्व कर रहे हैं तो हरिजन या चमार हरिजन है हम चमार हैं तो इसका क्या मतलब है तो आपने सर्व क्यों किया हम तो आपसे मांगे नहीं थे नहीं हम हमने तो आपसे मांगा नहीं था जाओ सर जाओ जाओ हटो जाओ बेटा सर कर जाने से उनका नहीं ये कोई मतलब हुआ ये आप अगर नहीं आपसे मांगे तो मैंने नहीं पिया नहीं अरे जाओ सर जा, जाओ यहाँ से जाओ हटो यहाँ नहीं दिमाग है दिमाग सही करके रखे ना ये कोई तरीका सिस्टम नहीं हुआ है हमारा दिमाग सही नहीं है हमारा दिमाग सही करो पहले नाचिए गाइए झूमिए क्योंकि देश में नहीं है जातिवाद। देश इस समय ऐसे लोगों के हाथ में चल रहा है जो इस बात का प्रचार प्रसार करने के लिए करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट पर खर्च कर रहे हैं और देश की मीडिया उनको हीरो बनाकर युग पुरुष के नाम से उनको सम्मान देने में तुली है। आप सोचिए 75वां वर्ष हमने मनाया है आज़ादी का, लेकिन क्या इस आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी इस देश के अंदर समता समानता बंधुत्व की भावना कायम हो पाई है? ये वीडियो जो भी आपने देखा ये उसका जीता जागता सबूत है। आइए बात करते हैं इस वीडियो के बारे में और ये बात मैंने क्यों कही कि युग पुरुष ने जो आज़ादी का महोत्सव मनाया अमृत महोत्सव उसकी हवा निकालता हुआ ये वीडियो है। जो व्यक्ति गाली दे रहा है इस वीडियो में वो व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, अपने क्षेत्र का जाना माना नाम है उसका और पेशे से इंजीनियर रिटायर है, मतलब सरकारी सेवा वो दे चुका है और उसको पता है कि जिस तरह से वो दुत्कार रहा है गाली गलौज कर रहा है उससे तो बिल्कुल नहीं लगता कि वो पढ़ लिख कर इंजीनियर बना होगा। बिल्कुल सही सुना आपने, जाति है कि जाति नहीं। ये 4 मई की घटना है, प्राथमिक विद्यालय सुरहुरपुर ढेलवारी सिरकोनी जौनपुर के प्रधानाचार्य दिलीप कुमार जी जो अनुसूचित जाति के प्रधानाचार्य हैं सरकारी परिवार सर्वेक्षण करने के लिए सुरहुरपुर गाँव में जमुना सिंह ठाकुर जमुना सिंह के घर गए और उनके साथ जमुना सिंह द्वारा घृणित जातिवादी सोच के साथ यह निष्ठा का परिचय दिया गया। गिलास में पानी पी लेने पर जाति सूचक गालियां दी और अपने दरवाजे से भगा दिया, मतलब सरकारी काम में भी रोड़ा अटकाया। यही है हकीकत में सबका साथ सबका विकास, यही है रामराज्य और रामराज्य में यही होता था। दलित शोषित पिछड़े समाज का कोई व्यक्ति चारपाई पर नहीं बैठ सकता था, किसी स्वर्ण के पानी नहीं पी सकता था, किसी स्वर्ण के ऊपर अगर उसकी परछाई भी चली जाती थी तो उसको इतना
मतलब मारा पीटा जाता था, टॉर्चर किया जाता था, जिसकी कोई हद नहीं है। आर्थिक आधार पर आरक्षण को सही साबित करने वाले आंखें खोलकर देख लो, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ हिंदू धर्म के तथाकथित स्वर्ण जाति के इस आदमी में कितनी घृणा भरी हुई है। क्या यह सरकारी कार्य में बाधा नहीं पहुंचा रहा है? क्या सरकार को सर्वेक्षण करने वालों शिक्षकों को सुरक्षा कर्मी के साथ सर्वेक्षण के लिए नहीं भेजना चाहिए? क्या ऐसे जातिवादी लोगों को मुंहतोड़ जवाब नहीं दिए जाने चाहिए? पूर्वांचल के सभी शिक्षक संगठनों ने इस पर एतराज जताया है और अब इस जमुना सिंह के ऊपर FIR दर्ज हो गई है और पुलिस इसको गिरफ्तार करने के लिए ढूंढ रही है। समता आवाज टीवी इस कृत्य की घोर निंदा करता है। शासन प्रशासन में बैठे लोग उचित कार्रवाई करेंगे, ऐसी मेरी मांग है। सरकारी परिवार सर्वेक्षण जो कार्य है वो सरकार द्वारा दिया गया है शिक्षकों को, गर्मियों की छुट्टियों में वो इस कार्य को पूरा करेंगे। दिलीप कुमार भी उसी कार्य को करने के लिए गांव में पहुंचे थे। कहानी शुरू होती है पिछली बार किसी सरकारी काम से प्रधानाध्यापक दिलीप कुमार जमुना सिंह के घर गए। वहां पर जमुना सिंह को जब पता चला सरकारी कर्मचारी लोग आए हैं कुछ काम के लिए, तो उन्होंने सभी लोगों को पानी दिया। अब सभी थे या अकेले दिलीप कुमार थे पता नहीं है, इस बारे में पुष्टि नहीं हो पाई है। दिलीप कुमार ने पानी पिया और दिलीप कुमार अपना काम करके वहां से निकल गए। बाद में जमुना सिंह को पता चला कि जिसको मैंने पानी पिलाया है वो चमार जाति का है, जिस जाति से हम बात करना पसंद नहीं करते। वो इस वीडियो में अहंकार उनका दिख भी रहा है। एक बार इस वीडियो को दोबारा देखिए। बाबूजी भाई साहब आप हम नहीं इसमें पिएंगे, फट से उठाया तुमने गिलास पी लिया। ये तो पहली बार हमारे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है। अच्छा जाओ हट जाओ अपना परिवार पढ़ो, हटो यहाँ से हटो। बहुत खराब है तुम्हारा, पढ़े लिखे आदमी मूर्ख इस तरह घूमते हैं। क्या मूर्ख है हम? तुम गिलास में कैसे पानी पी लिया हमारे? अरे आपने सर्व किया, हमने पिया। क्यों पी लिया? क्यों पी लिया? आप पूछ के दिए होते हम नहीं पिए थे। जाओ जाओ यहाँ जाओ, जाओ हटो यहाँ से, जाओ जाओ हटो, जाओ घर देखो, जाओ घर देखो, जाओ हमारा छोड़ दो यहाँ परिवार, जाओ हटो। क्या की मिल लेना किसी से? बात खराब है इनका, मास्टर होइए देखो और जगह होइए, होश में रहते हो कि नहीं है? प्रधानाध्यापक हो गया, कलेक्टर हो गया। हम तो ये नहीं कह रहे हम कलेक्टर हो गए। नहीं तो जाओ हटो यहाँ से, हट जाओ आप हमारी आँख के सामने से, हटो ना, जाओ यहाँ से। ठीक है जा रहे हैं, जाओ हटो यहाँ से। ठीक धन्यवाद। पानी नहीं पिएंगे हम? जा आपने सर्व किया था, हम कहें नहीं पिए? आपको सब पूछना चाहिए ना कुछ बिरादरी को, सर्व करने से पहले पूछ लेना चाहिए किस बिरादरी को हो। आपने पूछा? हम तो कहीं आप ही गए ना, बहुत बड़े लोगों के यहाँ भी जाते, कोई हमसे इस तरह नहीं बात करता, नहीं पूछता कोई है। बड़े लोगों के जाओ, यहाँ छोटे लोगों के यहाँ आने की जरूरत नहीं है। नहीं ये तो हमारे जीवन में पहली बार हुआ, आप सर्व कर रहे हैं। तो हरिजन या चमार? हरिजन है, हम चमार हैं। तो इसका क्या मतलब है? तो आपने सर्व क्यों किया? हम आपसे मांगे नहीं थे? नहीं हमने तो आपसे मांगा नहीं था। जाओ सर्व किया, जाओ जाओ हटो, जाओ बेटा सर्व कर, जाने से इनका नहीं। ये कोई मतलब हुआ ये? आप अगर नहीं आपसे मांगे तो मैंने नहीं पिया नहीं। अरे जाओ जाओ यहाँ से, जाओ हटो यहाँ से। नहीं दिमाग है, दिमाग सही करके रखे ना, ये कोई तरीका सिस्टम नहीं हुआ है। हमारा दिमाग सही नहीं है। जमुना सिंह तिलमिलाए बैठे थे, अंदर से गुस्से में भरे बैठे थे कि कब ये सरकारी अधिकारी मुझे दोबारा मिले और कब मैं इसकी खाल उतारूं। वो मौका इसको मिल गया। सरकारी परिवार सर्वेक्षण करने के लिए दिलीप कुमार पुणे इनके घर जाते हैं और वो उस टीस को लेकर बैठा हुआ जमुना सिंह इनके ऊपर बिखर पड़ता है। आपने देखा किस तरीके से बात कर रहा है, मतलब इसकी बातों से ही ऐसा लगता है कि जब ये इंजीनियर रहा होगा तो किस तबके का इंजीनियर रहा होगा, क्या इसका व्यवहार रहा होगा। 30-35 साल जब इसने सरकारी नौकरी की है तो आप सोचिए अनुसूचित जाति के लोगों के साथ नौकरी करते हुए इसका व्यवहार कैसा रहा होगा, जो इस बुढ़ापे में जिसमें के इसको भगवान के भजन गाने चाहिए हिंदू मान्यता के अनुसार,
लोगों से प्यार करना चाहिए, अपना एक व्यवहार बनाकर रखना चाहिए, लेकिन नहीं, आज भी इसके अंदर कहीं ना कहीं जाति का दंश इतना गहरा छिपा हुआ है, इतना गहरा अंदर तक घर कर गया है कि इसको ये नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूं। अब कुछ नहीं, SC ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हो चुका है। आइए पहले आपको दिखाता हूं FIR की कॉपियां। अब ये जेल जाएगा और मेरा सभी समाज सेवियों से ये अनुरोध है कि अब माफ नहीं, साफ कीजिएगा। हम लोग बहुत माफ करते आए इनको, ये आएंगे हमारे घर पर हमला करेंगे, हमारी बहन बेटियों को छेड़ेंगे और बाद में आके हाथ जोड़कर माफी मांग लेंगे कमरे में बंद होकर। और हमारा समाज इतना भोला है कि लोग बाग इकट्ठे होकर आएंगे मोहल्ले के, अरे छोड़ो यार, मोहल्ले की बात है, पड़ोस की बात है, पड़ोस का है तुम्हारा, और हमारे समाज के लोग माफ कर देते हैं। लेकिन अब हमारे समाज को एक ऐसी नजीर पेश करनी होगी कि अब हम माफ नहीं, साफ करेंगे, ऐसे जातिवादियों को जेल की हवा खिलाएंगे। और जब ये एक दो तीन चार लोग जेल में जाएंगे, जब इनके परिवार के लोगों को पता चलेगा कि जातिवाद के चलते इनका परिवार बिगड़ गया है, तो आगे इनके आने वाले जो वंशज हैं, जो इनके आने वाले बच्चे हैं, कहीं ना कहीं एक सीख लेंगे कि हमें जातिवाद नहीं करनी है, हमें प्यार मोहब्बत समता समानता के साथ इस भारत देश के अंदर रहना है और इस भारत देश की उन्नति में सभी को मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलना है। क्या कहना है आपको इस जातिवादी जमुना सिंह के बारे में? क्या यह बचपन से जो इसके माँ बाप ने या इसके अंदर जो दंश है, जो जाति का दंश है कि मैं ठाकुर हूं, क्या वो दंश मरते दम तक ये निकाल पाएगा अपने अंदर से, या इस तरह के जातिवादी लोग निकाल पाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, नीचे दिए ज्वाइन के बटन पर जाकर हमें आर्थिक सहयोग जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।